अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम अपने बालों को कटते हैं। बालों की आपको टिप देता हूँ किस तरह आप अपने घर पे जो है ना वो बालों को आप केयर कर सकते हैं, लंबे कर सकते हैं, खुश्की, डैंड्रफ, मतलब बाल टूटने का मसला, हर किस्म का बालों के रिलेटेड इशू जो होता है वो घर भी आप सॉल्व करते हैं। आपको एक टिप देता हूँ, वीडियो देखिए मेरे साथ, आगे बढ़ते हैं। इसमें से आपने ना इसकी जो एक होगी ना ये पूरी ना ये काट लेनी है। ये हमारे पास आ गया एलोवेरा, बस इसी का काम है, इसी का जादू आपको दिखाता हूँ वीडियो में। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बाल नीचे तो उसे दुर्दाना की तरह लम्बे, काले, मोटे, चौड़े, पतले जो भी होते हैं हो जाए, बाल गिरने का जो इशू है वो भी सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके को फॉलो करें मेरे साथ। ये देखें इसके अंदर जो जेल है ये मैं निकाल के ना बालों पर अप्लाई करूँगा, किस तरह करूँगा वो वीडियो में देख के आता। हाँ जी, तो इसको सबसे पहले इस तरह हमने काट लेना है। इस तरह काट के इसके पीसेस बनाने पहले तो इतने इतने ना। इसके बाद ये चीज तो आप देख सकते हैं मैंने ये पीसेस बना दिए हैं। इसमें इस तरह छुरी से कट भी लगा दिए हैं आपके सामने। अब देखना इसको मैं बालों पर अप्लाई करता हूँ और उसके बाद आपको रिजल्ट इसका सारा बताऊँगा। होगा मैंने इस जेल को ना बालों पे अप्लाई कर दिया है। ये देखें फुल मेरे बाल ना जो है ऐसे हो गए जैसे सारे गीले होते हैं। तो इसके साथ आपको ये देखें बाल आपके ना उतरेंगे भी, जो पता नहीं नज़र आ रहे हैं नहीं, तो डेड बाल होंगे ना वो सारे उतर जाएंगे। तो अब इसको मैं ना 30 मिनट के लिए इसी तरह लगा रहने दूँगा। इसके बाद मैं ना किसी अच्छे से शैम्पू से, जो खुशबू के बगैर शैम्पू होता है ना शैम्पू, वो आप यूज़ किया करें, वो नुकसान नहीं पहुँचाते बालों को। जो खुशबू वाले होते हैं इनके काफ़ी ना साइड इफ़ेक्ट वगैरह होते हैं। तो इसके बाद मैं बालों को धोऊँगा। धोने के बाद तकरीबन मेरे बाल इस तरह हो जाएंगे मुलायम, ऐसे में हाथ जब मारूँगा ना तो उंगलियाँ ऐसे मलाई की तरह बीच में होंगी। उसके बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊँगा, वेट करें।
अच्छा बाल जो है वो मैंने धो लिए हैं, तो आप देख लें बालों का रिजल्ट। एक एक बाल जो होता है ना वो बिल्कुल अलग-अलग अलग-अलग से आपको फील होगा। जिस तरह आप मैं ये देखे हाथ ऐसे करता हूँ ना, तो ये मुझे ना बहुत ही लाइट फील होते हैं बाल। इनमें जो खुश्की वगैरह थी या जो वो पता ना साथ हो जाती है आपस में, वो चीज़ भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। मजाक के अलावा आप ये चीज़ ट्राई करें, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। इसके अलावा ये जो आप बाल आपने ना, इसके बाद अगर अपने बालों को सेट करने कहीं पे, तो आप इतना सा लें ना तेल जो होता है सरसों का तेल जो होता है, उसमें इतना तेल लें, उसमें इतना ही पानी ऐड करके ना, तो उसको मिक्स करके लगाएं बालों पे। तो आप फिर जहाँ पे मतलब आप अभी तो ये देखें ना, ये कहीं पे एडजस्ट नहीं हो रहे, यानी कि इनकी वो इतने को हो गए हैं बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं कि वो कहीं पे जा ही नहीं रहे, वो बार बार आके आते हैं। तो आपने वो जो होगा ऑयल वो लगाएंगे, तो आपके बाल ना वो बिल्कुल जहाँ पे आप चाहेंगे वहीं पे भी उस तरह फिक्स हो जाएंगे। तो यही था मेरा एक वीडियो थी। वैसे मैंने देखा ना, तो मैंने सोचा ये चीज़ मैं ख़ुद करता हूँ, तो मैं आप सब लोगों को बता दूँ, आपका भी फ़ायदा हो जाए अगर आपको भी ये चीज़ सूट करती है तो। शुक्रिया।